अपडेट और आ रही है कि लेबनान की राजधानी बेरूत में धमाके जो हुए इसमें 1000 से ज्यादा लोग जख्मी हुए हैं और ये अब तक का अपडेट सामने आया कि इसमें ज्यादातर जो लोग घायल हुए हैं वो हिजबुल्लाह के सदस्य हुए हैं। हिजबुल्लाह के सदस्य लोगों के पेजर में विस्फोट हुआ और रेडियो सेट में भी धमाके हुए हैं, यानी कि दो कम्युनिकेशन सेटअप, पेजर और रेडियो सेट, इन दोनों में धमाके हुए हैं। और अब तक जो कैजुअलिटी की बात थी वो एक व्यक्ति की मौत अब तक कंफर्म हो चुकी है और हजारों लोग इसमें घायल हुए हैं। मार्केट में धमाके के बाद अब अफरा तफरी का माहौल है और अपडेट ये भी है कि हिजबुल्लाह ने अपने सभी सदस्यों को पेजर इस्तेमाल ना करने के लिए कहा है, उनको डिस्पोज ऑफ करने के लिए कहा है। ये तस्वीरें आपको हम उस वक्त दिखा रहे हैं जहां पेजर में ब्लास्ट होने के बाद, ये देखिए ये युद्ध कैसे किस हद तक जानलेवा साबित होता है। पेजर और रेडियो सेट्स में जो अलग अलग धमाके हो रहे हैं उन धमाकों में इस बच्ची की मौत हो चुकी है। ये युद्ध की विभीषिका है कि मासूम भी उसके निशाने पर आ जाते हैं और मासूम भी उसकी चपेट में आते हैं। उस वक्त की दिखा रहे हैं आपको जब हिजबुल्लाह के सदस्यों के पेजर्स में और उनके रेडियो सेट में ये धमाका होना शुरू हुआ। बड़ी खबर आ रही है धमाके में, जैसा कि आपको बताया कि एक बच्चे की मौत हो चुकी है। पेजर का सॉफ्टवेयर हैक किया गया है, उस सॉफ्टवेयर को हैक करके एक फ्रीक्वेंसी सेट की गई और उसके बाद उसमें धमाका हुआ है। अपडेट ये आ रहा है कि इसमें एक बच्चे की मौत हुई है जबकि 1200 से ज्यादा लोग अभी तक घायल हो चुके हैं। बड़ी बात जो हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट जुड़े हैं उनकी तरफ से कहा गया कि ये बड़े लॉन्ग टर्म प्लानिंग है और कंट्रोल तरीके से धमाका करवाया गया जिसमें कि हिजबुल्लाह के कम्युनिकेशन नेटवर्क को पूरी तरीके से तबाह करने की बात और साथ ही साथ उसके सदस्यों को एक एक करके टारगेट किया जा रहा है। आप ये तस्वीर देखिए कि जिस व्यक्ति के जेब में रखे हुए पेजर में विस्फोट होता है तो वो विस्फोट होते ही अचानक जमीन पर गिर जाता है। और बड़ी खबर यह कि पेजर ब्लास्ट में एक सांसद के बेटे की मौत हो चुकी है, यानी कि मौत का आंकड़ा बढ़ रहा है, मौत का आंकड़ा अब दो हो चुका है। अभी तक एक बच्ची की तस्वीर आपको दिखाई थी जिसकी ऐसे ही ब्लास्ट में मौत हुई और अब एक सांसद के बेटे की मौत भी हो चुकी है, यानी कि मौत का आंकड़ा हर बीतती मिनट के साथ लगातार बढ़ रहा है। यानी इन धमाकों का इंपैक्ट जो अभी तक सिर्फ 1200 लोगों के घायल होने तक सीमित बताया जा रहा था, अब वो इंपैक्ट लगातार सामने आ रहा है, एक एक करके सामने आ रहा है। पहले कोई कैजुअलिटी खबर नहीं थी लेकिन अब पहले खबर आई कि एक बच्चे की मौत हुई है, अब अपडेट ये कि एक सांसद के बेटे की मौत हो चुकी है। यानी कि सीरियल ब्लास्ट में अलग अलग जगह पर जो लगभग 1200 ब्लास्ट हुए हैं उनमें दो लोगों की मौत अब तक हो चुकी है। अनुराग, ये बड़ा थ्रेट है, आप ये सोचिए ये इसराइल और हिजबुल्लाह के बीच में जो चल रहा है, जैसे कि हम लोग फुटबॉल ग्राउंड में कई बार देखते हैं कि मैन टू मैन मार्किंग की जाती है, ये मैन टू पेजर मार्किंग की गई है। यानी कि ये पेजर की तस्वीरें दिखा रहे हैं हम, जो पेजर भारत में बीते दिनों की बात हुआ करती थी लेकिन जो हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट है वो कह रहे हैं कि इसके कम्युनिकेशन को ट्रैक करना मुश्किल होता है, इसलिए पेजर का इस्तेमाल हिजबुल्लाह का पूरा नेटवर्क करता है, उसी में अनुराग ये ब्लास्ट हुए हैं। बिल्कुल, और जाहिर सी बात है कि ये बड़े हमले से ज्यादा बहुत अलग तरीके का हमला है, बहुत अलग तरीके का ये हमला है। Z News.